नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम सच की तह तक। इस वक्त की बड़ी खबर सामने, जो शहीद समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर एच एन सिंह पटेल विधायक बने और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सांसद जेवा रिजवान, पूर्व प्रत्याशी तुलसी, अध्यक्ष किन्नर एकता ट्रस्ट के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। वहीं कई आज राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन भी हुआ है, जहां मसद किन्नर समाज के भी लोग हैं जो बनारस से आए हुए हैं। जानते हैं कि प्रमुखता बड़ी समस्याएं किस तरह की है और आखिर 22 में समाजवादी पार्टी उनका साथ किस तरह से देने वाली। मैडम, किस तरह की बड़ी समस्या आप लोग के साथ होती है और क्या करने वाली है समाजवादी पार्टी आप लोगों के लिए? अभी तो आज तक अभी कोई मतलब कोई पार्टी हमारा साथ नहीं दिया, ना हमारे लिए कुछ किया है, मगर अखिलेश जी ने हमारे लिए ऐसा किया कि हमारे महीने के हमें 500 रुपये आते थे उन्होंने किया हमको, और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के और इस पार्टी में हम लोग ज्वाइन हो गए, बहुत अच्छा लगा। और आगे करके हम यही कहते हैं कि हम समाज से भी कहते हैं और हम अपने समाज से भी कहना चाहते हैं और अन्य मतलब समाज के भी कहना चाहते हैं कि हमारे भैया जी का सपोर्ट करें और उनका मतलब सहयोग करें और उनकी सरकार बननी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, केंद्र में मोदी जी ने ट्रांसजेंडर का दर्जा दिया आप लोगों को, उसके बारे में उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया, उसने किया ऐसा कोई अभी आज तक कोई ऐसी सरकार आई कि जो कुछ कुछ नहीं किया, मगर ये भैया जी ने हमारे लिए किया। हमें बाईस में समाजवादी सरकार किन्नर समाज की, अभी कभी किन्नर सरकार को हर महीने क्या कहते हैं ना, वेजेस दिलवाए जाएं, पैसे दिलवाए जाएं, क्योंकि हम लोग गरीब हो रहे हैं, हमारे में अनएम्प्लॉयमेंट है और मैं यही चाहूंगी क्या कहते हैं हमको ना पर मंथ भत्ता मिले, भत्ता ठीक है दिलवाइए। ठीक है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी से कई तरह की उम्मीदें किन्नर समाज ने जताई है। उन्होंने कहा कि उनको भत्ता मिलना चाहिए, बेरोजगारी की बड़ी समस्या के हमारे माननीय कहूँ हमारे मसीहा कहूँ। प्रदेश में 2022 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी कमर कस रही है, जहां पर राष्ट्रीय धनगर महासभा के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर ने अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। लगातार पांच समाज की लड़ाई लड़ने वाले जेपी धनगर हमारे साथ हैं। जेपी जी, क्या कहना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली गई है तो किस तरह का उद्देश्य है, एजेंडा है, 22 में क्या करने वाला है धनगर समाज? देखिए, पिछली बार हमारे समाज ने 95% वोट भाजपा को दिया था, आज बिल्कुल उल्टा। मान लो कि हमारे सरकार के प्रमाण पत्र नहीं बने, समाज में साझेदारी नहीं की, उत्तर प्रदेश में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, समाज में आक्रोश है और 99.98% वोट आज समाजवादी पार्टी को जाएगा और भारी मतों से जिताकर माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। बड़ी समस्या क्या थी धनगर समाज की जिसके लिए लड़ाई आप लड़ रहे थे? देखिए, समस्या कुछ नहीं है, उत्तम भाजपा सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। उत्तम इन्हीं योगी जी ने धनगर जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 14 शासनादेश जारी किए, लेकिन 14 सर्टिफिकेट 4 साल में नहीं बने, इसलिए समाज में इस पास धनगर गढ़िया समाज में बड़ा आक्रोश है और इसका चुकता हिसाब 2022 में करेगा। साफ तौर पर देखने की बात होगी, धनगर समाज की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 8.5% इस उत्तर प्रदेश में हमारे धनगर गढ़िया समाज की जनसंख्या है और वोट टिकट पार्टियाँ 2 या 3 देती है। हमारी अगले जी से बात हुई है, 8.5% के हिसाब से टिकट देगा, जो जितने टिकट मांगेंगे हम पर जितने मजबूत प्रत्याशी होंगे उन सबको टिकट मिलेगा। चलिए, साफ तौर पर देखने की बात होगी कि धनगर समाज ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। 22 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अपनी कवायद कस रही, छोटे दलों के साथ और संगठनों के साथ समर्थन ले रही है। देखने की बात होगी उत्तर प्रदेश की जनता 22 में आखिर किसके साथ जाएगी। सहयोगी गिरजेश के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।